नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए व्लॉग में। तो अभी चल रही है हमारी ऋषिकेश सीरीज़, और कल जो आपने इससे पहले वाला बेसिकली व्लॉग देखा उसमें हम ऋषिकेश पहुंच गए थे, और आज का व्लॉग उससे आगे स्टार्ट होगा। सो आज का प्रोग्राम कुछ ऐसा रहेगा जो आज वीडियो में आप देखेंगे कि लक्ष्मण राम झूला के आसपास का कुछ एरिया कवर करने की ट्राई करेंगे। तो चलो चलते हैं उस दिन पे जहाँ से ये वीडियो स्टार्ट हुआ था। ये तो आके हम अभी होटल से निकले हैं और होटल से निकल के अभी जा रहे हैं लक्ष्मण झूला की तरफ। तो जो लक्ष्मण झूला से राम झूला का जो पूरा पैच है एक बार उसको एक्सप्लोर करते हैं कुछ कुछ। बाकी रोड तो ये भी काफ़ी अच्छी है, ये मेरे ख्याल से बद्रीनाथ को जो रोड जाती है वो वाली रोड है। इस रोड पे भी काफ़ी अच्छे होटल्स के ऑप्शंस, खाने पीने के ऑप्शंस है वो बहुत अवेलेबल है। सो यू विल गेट एन नंबर ऑफ ऑप्शंस हियर इन केस अगर आपको मतलब उधर नहीं कुछ मिलता है तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे होटल्स अवेलेबल हैं, बहुत अच्छे अच्छे खाने के ऑप्शन बहुत अच्छे हैं। सो यू विल गेट लग्जरी होटल्स ऑल्सो हेयर एंड अदर्स ऑल्सो। तो जब आप तपोवन से निकलते हैं, बेसिकली मैं तपोवन में स्टे कर रहा था, जो आप तपोवन से निकलते हैं तो तपोवन से जब लक्ष्मण झूला की तरफ जाते हैं तो काफ़ी पैदल का रास्ता, पैदल मतलब हार्डली कुछ 10 मिनट का वॉक होगा तपोवन से लक्ष्मण झूला तक पहुँचने के लिए। तो जो रास्ता है, जो मेन रास्ता है जहाँ से ये बद्रीनाथ वाला रास्ता कटता है टुवर्ड्स लक्ष्मण झूला, तो उसके रास्ते में इतनी बढ़िया बढ़िया पेंटिंग्स और बढ़िया बढ़िया इतना मतलब सीनरीज बनी हुई हैं, अच्छा व्यू निकल के आता है। आप चलते हो तो आपको लगता है यस, मतलब यू आर एट सम प्लेस। सो वो वाली फीलिंग है। वहाँ से पहुँचते हुए घूमते फिरते हम पहुँचे लक्ष्मण झूला, और लक्ष्मण झूला के बाद मंदिर है बेसिकली 13 मंजिला। तो वहाँ पे चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं क्या कुछ दिखता है वहाँ पे आगे। हम जी मंदिर में जो 13 मंजिली मंदिर है इसमें एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसे अलग 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 क्या है ना मंदिर बने हुए हैं, आप घूमते जाओ अलग अलग मंदिरों के दर्शन करते जाओ। तो ऐसे हर फ्लोर पे यहाँ पे ये पूरा इन्होंने मंदिर का दर्शन का है। ऐसे ऐसे आप ऊपर आते जाते हो व्यू और अच्छा और अच्छा और अच्छा होता जाता है। आप मेरे पीछे देख रहे हो लक्ष्मण झूले का व्यू इतना बढ़िया आने लग गया है यहाँ से। तो ये है जी मंदिर टोटल 13 मंजिल वाला, तो हम ऊपर तक दर्शन कर आए। सो बेसिकली इसमें आया क्या, हर फ्लोर पे बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं देवी देवताओं के, और टॉप पे एक मंदिर है। फिर तो आप पूरा घूम के जाते हो, एक तो मंदिर के दर्शन, हर भगवान के दर्शन हो जाते हैं आपको यहाँ पे। सारे भगवान उन्होंने मतलब स्थापित किए हुए हैं। उसके अलावा ऊपर से व्यू बहुत अच्छा है, आप एक एक फ्लोर ऊपर चढ़ते हैं हर फ्लोर पे एक अलग व्यू है बेसिकली, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आओ तो यहाँ पर दर्शन तो होते ही होते हैं, उसके साथ काफ़ी काफ़ी ऊँचाई पर आ जाता है, और सेकेंडली बिल्कुल साथ में ही गंगा नदी बहती है, तो यहाँ पर लोग राफ्टिंग करते हुए, बोट चल रही हैं, लक्ष्मण झूला यहाँ से बहुत क्लियर दिखता है। तो ये सब चीज़ें हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। अब आप देखो ये गंगा नदी बह रही है साथ साथ, ये अपना लक्ष्मण झूला आ गया इधर, और ये अपना बढ़िया सा इस टाइम सनसेट व्यू चल रहा है, और ये पूरा इधर ऋषिकेश। जब आप लक्ष्मण झूला से राम झूला की तरफ जा रहे हैं तो इस टाइप की यहाँ पे रेडी मिलती है, और देखो ये इतने सारे एक प्लेट में जो फ्रूट्स हैं ये सिर्फ 10 रुपये के दिए आंटी ने, बहुत ही बढ़िया। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें रास्ते में बहुत हैं यहाँ पे। दिस इज़ राम झूला, और राम झूला के पास अभी हम खड़े हैं, हमारे पीछे राम झूला है और राम झूला के पास हम खड़े हैं। इतनी शांति है यहाँ पर, आप पीछे पानी देख सकते हो कैसे गंगा एकदम ऐसे इतनी स्लो उसमें चल रही है ना, इतनी शांति है, इतनी शांति है यहाँ पर। मतलब ऐसा है कि आप यहाँ पे कम से कम ऐसा है कि मेरे ख्याल से 2-2.5 घंटे भी बैठ सकते हो, मतलब इतनी शांति है यहाँ पे, राइट। तो राम झूला की अगर बात करें तो राम झूला जो है ये बेसिकली लक्ष्मण झूला के बाद बनाया गया था, और रीज़न बीइंग कि एक ठीक है एक नया ट्रांसपोर्ट मोड चाहिए था। इस पर क्या है, इस पर आप अगर देखोगे तो टू व्हीलर्स भी चलते हैं, टू व्हीलर्स भी अलाउड हैं इस पे जाने आने, तो इस पे टू व्हीलर्स भी चलते हैं, जबकि लक्ष्मण झूला पे टू व्हीलर्स नहीं। लक्ष्मण झूला तो बीच में पहुंचते तो हिलता है,
राइट। अगर लक्ष्मण झूला की बात करें तो लक्ष्मण झूला का क्या है, लक्ष्मण झूला की जो हिस्ट्री पता चली है उसमें ऐसा निकल के आता है कि जब राम और लक्ष्मण जी जब घूम रहे थे तो उस टाइम पे लक्ष्मण जी ने यहाँ से एक पुल बनाया था उस टाइम पे, उसका जैसे रस्सी वस्सी का कुछ पुल बनाया था, जूट का रस्सी का, ठीक है, तो उन्होंने वो पुल क्रॉस किया था, तो इसलिए उसका नाम लक्ष्मण झूला पड़ा। और झूला क्यों, क्योंकि वो बीच में पहुँचते तो हिलता है, अभी भी हिलता है वो पुल। उसके बाद फिर उसको पक्का किया गया, सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया, उसको पक्का किया गया और अब वो एक प्रॉपर जैसे ब्रिज है, प्रॉपर ब्रिज है वैसे वो तो, पर उस पर आपको टू व्हीलर्स वगैरह अलाउड नहीं है। राम झूला पे टू व्हीलर्स अलाउड, राम झूला तो आई थिंक 1986 से ऐसे कुछ बना था, 1986 से 1983 ऐसे कुछ बना था। तो राम झूला तो मॉडर्न ब्रिज है, तो इसमें सारी अमेनिटीज़ को कैटर करते हुए कि ताकि चलो टू व्हीलर्स भी क्रॉस कर सकें इसको, तो उस हिसाब से बनाया गया है। जबकि लक्ष्मण झूला थोड़ा सा पुराना है। तो यहाँ पे लोग क्या हैं, ये ऐसे बने बनाए दिए मिलते हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे मतलब अपना प्रवाहित कर सकते हो गंगा में, तो अच्छी चीज़ है। अगर बात करें कि राम झूला और लक्ष्मण झूला की सराउंडिंग्स में क्या डिफरेंस है कैसा नहीं है, अगर वैसे बात करें तो जितना मैं आज शाम को घूमा हूँ तो उसमें मोटा मोटा से ये समझ में आया कि जो राम झूला है, राम झूला के आसपास जो एरियाज़ हैं वो ज़्यादा हैं मतलब शांति वाले, से आश्रम्स बहुत हैं इधर, ठीक है, और भजन वजन जैसे पीछे भी अगर आपको आवाज़ आ रही है नहीं, आई डोंट नो, ठीक है, तो यहाँ पे मतलब जैसे वो वाला एनवायरनमेंट ज़्यादा है, जैसे भक्ति वाला, शांति वाला। अगर आपको शांति चाहिए देन यू शुड यू नीड टू फाइंड समथिंग नियर राम झूला, मतलब इन टर्म्स ऑफ होटल, होम स्टेज और ये सारे ऑप्शन यहाँ पे बहुत हैं। मतलब अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो यहाँ पे आश्रम्स दुनिया भर के हैं, अच्छे आश्रम्स हैं, गीता भवन है, देन स्वर्ग आश्रम है, जहाँ पे आपको 500-600 रुपये से और मतलब 400-500 रुपये पे भी रूम मिल जाता है, और अगर आपको ढंग का रूम चाहिए तो 1200-1300 तक बहुत अच्छा आपको एक फैमिली रूम भी मिल जाता है 1200-1300 तक। तो फैमिली के साथ आ रहे हैं तो वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। अदरवाइज़ अगर आपको थोड़ी सी चहल पहल चाहिए, राइट, तो गो टू लक्ष्मण झूला, तो लक्ष्मण झूला के आसपास आपको देख सकते हो। तो लक्ष्मण झूला का कैसा हिसाब किताब है कि लक्ष्मण झूला के आसपास मार्केट वार्केट बहुत है, ठीक है, थोड़ा सा हैपनिंग एरिया है वो, मतलब इतना शांति वाला नहीं है वो, थोड़ा सा हैपनिंग है यहाँ पे, मार्केट जैसे यहाँ पे थोड़ी सी कम है राम झूला के आसपास जो मार्केट है, लक्ष्मण झूला के पास मार्केट बहुत बड़ी है। चलो जी, तो यहाँ से फाइनली इसके बाद हमने ऑटो पकड़ा और ऑटो पकड़ के फाइनली हम अपने होटल पहुँच गए। तो ये था आज का ओवरऑल, एक ट्राई किया आपको ग्लिम्स देने की कि मैंने क्या कुछ किया, मतलब वंस आई रीच्ड ऋषिकेश। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए फॉर एनी काइंड ऑफ यू नो इम्प्रूवमेंट, और कोई ऐसा सेक्शन जो आपको अच्छा नहीं लगा या जो अच्छा लगा है उसको भी कमेंट करके बताइए कि क्या अच्छा लगा उसमें। तो आज के व्लॉग को फिर यही ख़त्म करते हैं, और कल चलेंगे कुछ नए जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, कुछ हिडन प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए ऑफ ऋषिकेश। तो अगले दिन का वीडियो आप नेक्स्ट ब्लॉग में जो देखोगे तो उसमें मेजरली आपको यही सब देखने को मिलेगा। ठीक है जी, थैंक यू एंड ख्याल रखो अपना, हैव अ सेफ जर्नी वेयर एवर यू आर गोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।